हाय गाइस, इट्स मी कुणाल फ्रॉम बिंग कॉमर्स। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वर्डप्रेस जो है वो डिजिटल ओशन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इजी है ये प्रोसेस करना, ठीक है। देखो, मैं गाइस सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पीडीएफ बनाया है, ठीक है। ये वाला जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ की हेल्प से मैं आपको हर चीज़ को ईजिली बता पाऊँगा। सो प्लीज़ ये पीडीएफ को ज़रूर से एक बार डाउनलोड कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इसकी लिंक, और वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। कुछ नहीं करना है, बस ये पीडीएफ देखते जाना है और आराम से प्रोसेस को फॉलो करना है, आराम से कर लोगे, ठीक है। और मैं भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली भी एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और गाइस, अगर तक गाइस लेक्चर को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और गाइस, मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे फेसबुक पेज बिंग कॉमर्स को फॉलो कर सकते हो, और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो बिंग कॉमर्स, ठीक है। तो चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को ओपन करना है। तो जैसे आप ओपन करोगे, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिजिटल ओशन में जाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपने आप डिजिटल ओशन में पहुँच जाओगे। इसके बाद गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप करना है, ठीक है। आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया तो आपको क्या करना है, साइन अप करना है। जैसे आप साइन अप कर लोगे, उसके बाद गाइस आपको पूरा एक डैशबोर्ड मिलेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको आपको जाना है ड्रॉपलेट्स में, मतलब ये जो डैशबोर्ड है उसके बाद क्या करना है, आपको ड्रॉपलेट्स में जाना है। फिर आपको ये गॉट इट में क्लिक करना है, एग्री। अब गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप ये कर लोगे तो गाइस यहाँ ऊपर आपको क्रिएट कॉम ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो जैसे आप ड्रॉपलेट्स में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट करोगे तो वहाँ पे एक आपको एक ड्रॉपलेट्स का ऑप्शन दिखेगा, उसको क्लिक करना, ठीक। फिर उसके बाद गाइस, आपको यहाँ पे वन क्लिक ऐप करके यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, वन क्लिक ऐप्स करके वहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आप इस नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक वर्डप्रेस का ऑप्शन दिखेगा, बस उसको क्लिक करना है। फिर गाइस आपको क्या करना है, और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना, नीचे जब आओगे तो यहाँ पे गाइस आपको अपने साइज़ को सिलेक्ट करना है। तो जनरली मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करके चलूँगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सस्ता है और मुझे डेमो के लिए आपको ये वाला दिखाना है, इसलिए मैं फ़र्स्ट वाला सिलेक्ट करूँगा। आप चाहो तो आप बड़ा स्पेस भी ले सकते हो, ठीक। अब गाइस, जैसे ये हो जाएगा तो आप नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपको क्या करना है, लोकेशन को सेट करना है, आपको एक लोकेशन सिलेक्ट करना है। अब गाइस, मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन ये देना चाहूँगा, जहाँ भी आप लोकेशन में हो तो सबसे जो क्लोज नियरेस्ट आपके लोकेशन में जो भी यहाँ पे ऑप्शन है उसको क्लिक करो। सपोज़ आप इंडिया से हो तो आपको बेंगलोर क्लिक करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो डाटा सेंटर है वो काफ़ी क्लोज होगा और आपका जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है ये भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर गाइस, नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे गाइस आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट में क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट में क्लिक कर दोगे तो गाइस आपको कुछ इस तरीके से दिखना चालू हो जाएगा। और यहाँ पे गाइस, ये जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको क्या करना है, वेट करना है जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो गाइस यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पूरा इस तरीके से दिखेगा। आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा, ये जो है नंबर जो दिख रहा है ये आईपी एड्रेस है। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी में यहाँ पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, एक नया टैब ओपन करना है, वहाँ पे इस आईपी एड्रेस को क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने इमेजेस में पुट किया है, एक नए टैब में खोल के, ठीक है। तो गाइस, अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अब आपको क्या करना है, वापस से हमारे डैशबोर्ड में जाना है। तो गाइस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ जो आपने आईपी एड्रेस कॉपी किया, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद कुछ इस तरीके से गाइस आपका ड्रॉपलेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिएट होगा, और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ड्रॉपलेट्स हैज़ बीन क्रिएटेड। अब गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ ड्रॉपलेट्स के नीचे यहाँ पे कंसोल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो गाइस यहाँ पे आपको वो कंसोल में क्या करना है, राइट क्लिक करना, अपने माउस का क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक। जैसे आप कर लोगे तो कुछ इस तरीके से एक ब्लैक स्क्रीन पॉप आउट होगी, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉगिन के बाद कुछ नहीं दिया है,
लॉगिन के बाद यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट टाइप करना है, टाइप रूट, और उसके बाद क्या करना है आपको एंटर हिट करना है। एंटर नहीं भी करोगे तो शायद वो अपने आप हो जाएगा। फिर गाइस उसके बाद वो क्या मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा। इट विल आस्क फॉर पासवर्ड, योर पासवर्ड हैज सेंड बाय द डिजिटल ओशन इन योर ईमेल, चेक योर इनबॉक्स। तो गाइस पासवर्ड आपका जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ईमेल बॉक्स को ओपन करना है। वहाँ पे आपको डिजिटल ओशन ने एक ईमेल भेजा होगा इस तरीके से, जहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यूज़र नेम भी है, पासवर्ड भी है। तो गाइस आपको भी ऐसे ही मिलेगा। आपको क्या करना है, वहाँ पे जाना है, पासवर्ड को कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट करना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, मैन्युअली भी पूरा ये जो है टाइप कर सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मैन्युअली टाइप करना, ये जो पासवर्ड है इसको आप मैन्युअली टाइप करना, पेस्ट मत करना। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना ये चाहूँगा, एक चीज़ याद रखना, जब आप पासवर्ड टाइप कर रहे होंगे ना तो वो जो पासवर्ड है वो हिडन होगा, मतलब ये जो जब भी आप पासवर्ड टाइप करोगे ये पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, इनविजिबल रहेगा। इवन दो आपने अगर पासवर्ड को पेस्ट भी कर दिया या फिर आपने ये सारा पासवर्ड को यहाँ पे आपने लिख भी दिया है, तब भी वो इनविजिबल होगा, हिडन होगा, है ना। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, पासवर्ड हमेशा यहाँ का हिडन ही रहता है। आप इवन दो लिख दोगे तब भी वो हिडन ही रहेगा। अब गाइस आपको क्या करना है, सेम वापस से वो ऐसा कुछ पूछेगा कि करेंट यूनिक्स पासवर्ड करके कुछ इस तरीके से, तो आपको क्या करना है, अगेन सेम ये जो पासवर्ड है इस पासवर्ड को सेम यहाँ पे वापस से पेस्ट करना है या फिर वापस से लिखना है। जैसे आप लिख दोगे तो गाइस यहाँ पे आपको बोलेगा कि आप अपना खुद का एक नया पासवर्ड बनाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, खुद का एक नया पासवर्ड बनाना है और उस पासवर्ड को याद रखना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में भूल गए तो मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उस पासवर्ड को याद रखना। फिर जैसे ही गाइस आप पासवर्ड टाइप कर दोगे तो आपको और एक बार बोलेगा कि रीटाइप न्यू पासवर्ड, मतलब और एक बार जो आपने पासवर्ड यहाँ पे अपना खुद का बनाया है इसको वापस से आपको टाइप करने बोलेगा, तो आपको वहाँ पे टाइप करना है। अब गाइस जैसे ही आप जैसे ही आप यहाँ पे टाइप कर दोगे नया पासवर्ड तो कुछ इस तरीके से शो करने लगेगा, इस तरीके से मैं जूम कर देता हूँ, ठीक, इस तरीके से शो करने लगेगा। और इसका मतलब यह है कि आपका वर्डप्रेस जो है वो इनेबल हो गया है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा आपने सक्सेस कर लिया, तो बहुत सिंपल सरल है, सेम चीज़ का है, पीडीएफ डाउनलोड करोगे हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलते जाएगी स्क्रीनशॉट में, तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। अब गाइस अब आपको क्या करना है, रिफ़्रेश करना है उस टैब को जो आपने नया टैब ओपन किया था ना, जहाँ पे आईपी एड्रेस आपने कॉपी किया था, उस टैब को वापस से ओपन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको रिफ़्रेश हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एक मिनट, ये जो आईपी एड्रेस हम लोगों ने कॉपी किया था, ठीक है, पहले, और मैंने आपको बोला था कि इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे आपको नए टैब में ओपन करना है। तो गाइस उसी की मैं बात कर रहा हूँ, वही टैब में जब आप वापस जाके यहाँ पे रिफ़्रेश करोगे ना, ऊपर ही जो रिफ़्रेश का ऑप्शन है, तो जब इसको आप रिफ़्रेश करोगे तो गाइस कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, साइट टाइटल, यूज़र नेम आपको देना है, पासवर्ड देना है, किस ईमेल से आप वर्डप्रेस बनाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको देना है। तो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आप जो ईमेल रखो वो सेम रखो, मतलब जिस ईमेल से आपने डिजिटल ओशन में साइन अप किया है वही सेम ईमेल से आप सब चीज़ करो, तो आपके लिए इजी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अब गाइस यहाँ पे एक आपको एक बॉक्स दिखेगा, इसको कुछ मत करना, ये चेक नहीं है तो इसको चेक मत ही करना, इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, कुछ छेड़ना मत। और फिर नीचे जाके यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल वर्डप्रेस में क्लिक कर देना। जैसे आप इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा, फिर जैसे आप लॉगिन कर लोगे तो आपका ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारा आईपी एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, हमारा डोमेन नेम नहीं दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, आपको डोमेन असाइन करना है, मतलब आपको क्या करना है, अपना डोमेन को इस वाली डिजिटल ओशन जो आपने यहाँ पे वर्डप्रेस वाली वेबसाइट बनाई है इससे आपको अपना डोमेन को कनेक्ट करना है। अब गाइस मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको नहीं पता कि डोमेन किस तरीके से ख़रीदते हैं तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखेगी जहाँ पे हमने बताया कि आप GoDaddy से किस तरीके से डोमेन खरीद सकते हो, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास पहले से एक डोमेन होगा, नहीं है तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लेना किस तरीके से खरीदते हैं और एक डोमेन ख़रीद लेना। अब गाइस देखो मैं क्या करूँगा, GoDaddy में लॉगिन करूँगा। अब गाइस GoDaddy में लॉगिन करूँगा, एक बार मैं इसको आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, GoDaddy में जाता हूँ,
गोडेडी में गया मैं, यहाँ पे आपका GoDaddy.in में मैं गया, ठीक है, यहाँ पे कुनाल करके आ गया है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मिनट, यहाँ पे मैं अपने माई प्रोडक्ट्स में जाऊँगा। जैसे मैं माई प्रोडक्ट्स में जाऊँगा तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, मेरे सारे डोमेन्स दिखेंगे, bingcommerce.in, businessvidya.co.in। तो सिंपली आपको भी क्या करना है, आपको भी अपना खुद का एक डोमेन ख़रीदना है, ठीक है। और जैसे आप डोमेन ख़रीद लोगे तो आपका भी डोमेन क्या करेगा, यहाँ पे दिखाई देगा। तो कोई भी डोमेन का अगर आप DNS को ओपन करोगे तो गाइस वहाँ पे क्या होगा, आपको एक नेम सर्वर्स करके दिखेगा। तो हम इस नेम सर्वर का एक्चुअली काम है, ठीक है। तो होपफुली बस मुझे आपको प्रैक्टिकली बताना था किस तरीके से आप नेम सर्वर्स तक आ सकते हो। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे भी वही सेम स्टेप बताया, गोडेडी में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, फिर जो भी आपका डोमेन होगा आपको उस डोमेन के DNS में जैसे जाओगे तो आपको यहाँ पे नेम सर्वर का एक ऑप्शन दिखेगा। उस नेम सर्वर में आपको क्या करना है, इस चेंज वाली बटन में क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको कस्टम में क्लिक करना है, ठीक। अब गाइस जैसे आप ये कस्टम में क्लिक कर लोगे तो आपको क्या करना है, वापस से डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में जाना है और वहाँ पे ये नेटवर्किंग का ये आपको एक दिख रहा होगा, ये नेटवर्किंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक कर दोगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक नेटवर्किंग करके दिखेगा और इस तरीके से दिखेगा। और गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना एक ऑप्शन आएगा एंटर डोमेन, यहाँ पे आपको अपना डोमेन ऐड करना है, जो भी डोमेन आपका है और जिस डोमेन से आप ये वेबसाइट को कनेक्ट करना चाहते हो वो वाला डोमेन का नाम आप यहाँ पे लिख देना। सपोज़ मैं fantasy.org यहाँ पे लिखा हूँ एज अ डोमेन अपना, ठीक। आपका जो डोमेन होगा आप वहाँ पे अपना डोमेन वहाँ पे लिख देना। जैसे आप लिख दोगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको ऐड डोमेन में क्लिक करना है। गाइस जैसे ही आप ऐड डोमेन करोगे तो आपको कुछ नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको ये दिख जाएगा, ठीक। अब गाइस मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना नेम सर्वर में यहाँ पे, तो गाइस आप अब आपको क्या करना है, जैसे आप चेंज में क्लिक करोगे, ठीक, और फिर मैंने आपको बताया था कि कस्टम में आपको क्लिक करना है, ठीक, एक मिनट होने दो। फिर गाइस यहाँ पे आई विल यूज़ माय होम डोमेन, फिर कस्टम में क्लिक करना है। मतलब आपको एक्चुअली ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे जो भी ये वैल्यू दिख रही है आपको ये एक वन बाय वन यहाँ पे कॉपी करना है और गाइस इसकी जगह में यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है, पेस्ट कर देना है, सिंपल। तो सेम चीज़ यहाँ पे जो सारी चीज़ है, एक बार पहली बार इसको कॉपी करोगे, वापस इसको नेम सर्वर में पेस्ट करना, फिर आप अपने डोमेन का ये वाला कॉपी करोगे, फिर अपने डोमेन के नेम सर्वर में सेकेंड इसमें पेस्ट करना, ठीक, यहाँ पे पेस्ट कर देना। फिर गाइस आपको क्या करना है, ये जो थर्ड वाला है, ये जो थर्ड वाला नीचे है इसको भी कॉपी करना है, यहाँ ऐड नेम सर्वर में क्लिक करना है और यहाँ पे उस चीज़ को पेस्ट कर देना, ये वाला नेम सर्वर जो यहाँ पे है इसको पेस्ट कर देना, ठीक, मतलब इसको पेस्ट कर देना। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने बताया कि यहाँ पे कॉपी करना है, आपका जो डोमेन है उसके DNS के नेम सर्वर में जाना है और वहाँ पे पेस्ट करना है, पहला वाला किया। सेम गाइस आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको सेकेंड वाला कॉपी करना है, यहाँ पे नेम सर्वर में ऐड करना है GoDaddy के, जहाँ भी आपका होगा डोमेन, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, आपको ऐड नेम सर्वर में क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपको ये थर्ड वाला भी कॉपी करना है, फिर थर्ड वाला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, फिर सेव में क्लिक कर देना, सिंपल, ठीक। फिर आपको क्या करना है, नाउ वी हैव असाइंड अ डोमेन टू आवर साइट, वेट फॉर सम टाइम, इट मे सम टाइम टेक्स 24 आवर्स टू असाइन। आपको गाइस कुछ नहीं करना है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जनरली 24 आवर्स मैक्सिमम लेता है, लेकिन उतना कभी होता नहीं है, जनरली ये 10-15 मिनट्स में हो जाता है, और नहीं भी हुआ तो आपको 24 आवर्स तक वेट करना है, ठीक। जैसे आप वेट कर लोगे तो आपको इस तरीके से नोटिस दिखाएगा, इसका मतलब ये है कि आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली असाइन हो गया है आपके डिजिटल ओशन वाले वर्डप्रेस वेबसाइट से, ठीक है। तो हम सक्सेसफुली सारी प्रोसेस को कर दिए हैं, एग्री। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में जाना है। अब गाइस जैसे आप जाओगे डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में, तो गाइस यहाँ पे आपने जहाँ पे ये वैल्यू कॉपी की, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे कॉपी की ना, तो इसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा बहुत सारे ऑप्शन, यही ऑप्शन से अभी हमें काम है, ठीक। तो यहाँ पे मैंने वही बताया, जैसे आपको ये दिखा देगा आपको क्या करना है गाइस, आपके डिजिटल ओशन के डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है,
यहाँ पे होस्ट नेम की जगह गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, एट द रेट टाइप करना है, और यहाँ पे विल डायरेक्ट टू में आपको सिलेक्ट ड्रॉपलेट जिसने आपने बनाया है, मतलब जो ड्रॉपलेट आपने बनाया है ना उसे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपने शुरू शुरू में ड्रॉपलेट बनाया है यहाँ पे, एक मिनट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अरे यार इसको कहाँ हो रहा है, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड गाइस। हाँ यहाँ पे देखो, ये जो ड्रॉपलेट्स आपने बनाया था ना, ये जो ड्रॉपलेट आपने क्लिक किया था, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो भी प्रोसेस में अभी यहाँ पे है, एक मिनट वो किधर गया, वेट कीजिए, ये भी हमने कर लिया है, ये एक मिनट, नेम सर्वर कर लिया है, ये डोमेन वाला, और ये हाँ, तो जो मैं ड्रॉपलेट अभी आपको दिखाया ना, तो वही सेम ड्रॉपलेट क्या करना है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद क्या करना है आपको क्रिएट रिकॉर्ड में क्लिक करना है। जैसे आप कर लोगे तो गाइस आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका सारा जो डोमेन है वो आपका पॉइंट हो जाएगा आपके इस डिजिटल ओशन के वेबसाइट से। तो हम सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब गाइस हमें लास्ट चीज़ क्या करना है, SSL सर्टिफिकेट को लगाना है हमारी वेबसाइट में। आप क्योंकि देख सकते हो जो हमारी वेबसाइट है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो वेबसाइट है, ये गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो नॉट सिक्योर बताएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट लगाना है। वो SSL सर्टिफिकेट किस तरीके से लगाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक। तो इतना चीज़ आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक, ये जो PDF में आप जाओगे तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बताया, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक पूरा ब्लॉग जो होगा ये ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक वाली जो शीट थी जो हमने यहाँ पे छोड़ा है, ठीक, ये जो शीट है इसमें अब हमें आगे काम करना है, ठीक है। तो ये शीट को आपको क्या करना है, वापस ओपन करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको ये मिनिमाइज़ कर देना, इसको कट मत करना, ठीक। नहीं तो अगर आपको नहीं, आपने गलती से इसको कट कर दिया, तो अब मैंने आपको बताया था कंसोल में जाके आपको क्या करना है, वापस से आप इस चीज़ को जनरेट कर सकते हो, वापस से यहीं खुल जाएगा, ठीक। तो अब आपको क्या सिंपली क्या करना है, इस ब्लैक शीट में वापस से काम करना है SSL सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। तो चलो अब हम बढ़ते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे आप ये क्लिक में यहाँ कर दोगे तो यहाँ पे गाइस आपको बहुत एक पूरा ब्लॉग दिखेगा। तो आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलिंग कैटबॉट ये सब सारी चीज़ दी है। तो हमें क्या करना है, बस ये कमांड को क्या करना है, कॉपी करना है और वो वाली जो ब्लैक वाली स्क्रिप्ट है उसमें पेस्ट करते जाना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, ठीक। तो अभी मैं आपको बताते जाता हूँ किस तरीके से करना है। देखो अभी ये ब्लैक शीट आपको वापस ओपन कर लेना है। तो गाइस इस ब्लैक शीट में आपको क्या करना है, ये टाइप करना है। देखो जब आप ब्लैक शीट शुरू शुरू में ओपन करोगे, मतलब यहाँ से जब आप वापस ओपन करोगे तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ तक यह देखो यहाँ हैशटैग तक ये क्या हो जाएगा, आपका खुलेगा। तो आपको ये क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, कमांड लगाना है। मतलब ये जो कमांड है, ये वाली जो कमांड है ना, ये वाली कमांड को आपको कॉपी करना है और यहाँ पर लगाना है, या फिर आपको ये पूरा टाइप करना है इधर पे, ठीक। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे, आप यहाँ पे टाइप किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ सेम चीज़ देखो, हमने यहाँ पे टाइप किया है, सेम चीज़ सुडो से लेकर सेटर बॉक्स तक सेम चीज़ हमने यहाँ पे पूरा टाइप किया है, ठीक। तो ये हो गई फर्स्ट कमांड, आपको बस कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, नहीं तो आप टाइप कर देना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप टाइप करना केयरफुली, ठीक। अब गाइस आपको क्या करना है, एंटर प्रेस, यहाँ पे फिर आपको बोलेगा कि प्रेस एंटर टू कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रेस एंटर में क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, सेकंड वाला कमांड को पुट करना है। ये सेकंड वाला कमांड, ये वापस से ये जो ब्लॉग है, ये वाला जो कमांड है अपडेट वाला, हमने यहाँ भी लिखा है, ये अपडेट वाला जो कमांड है इसको आपको इसके आगे वापस से लिखना है, ठीक। जैसे ही, मतलब ये देखो, जैसे ही आप यहाँ पे एंटर कर दोगे ना, तो ये अपने आप इस यहाँ पर आके रुक जाएगा, हैश के आगे रुक जाएगा। तो उसके बाद आपको ये वाली कमांड पुट करना है। जैसे ही आप पुट कर लोगे तो गाइस ये जो
आपको थोड़ा समय वेट करना है जब तक ये पैकेज इंस्टॉल नहीं हो जाता, आपको थोड़ा देर वेट करना है। जैसे आप थोड़ा देर वेट करोगे, अब आपको क्या करना है, ये जो थर्ड वाला कमांड है, ये थर्ड वाला क्या कमांड क्या करना है, वापस से पुट करना है। ठीक, जैसे आप पुट कर लोगे तो उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से बोलेगा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, तो आपको क्या करना है, वाई यहाँ पे लिखना है और एंटर कर देना है, सिंपल। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप वाई करोगे तो अपने आप यहाँ पे जैसे आप वाई करके एंटर करोगे तो अपने आप एक कमांड आ जाएगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे कमांड आके यहाँ पे रुक जाएगी, हैशटैग के आगे यहाँ पे रुक जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये वाला जो मतलब ये वाली जो कमांड है, इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख के दिखाया, स्क्रीनशॉट में शेयर किया, देखो यहाँ वन ये हैशटैग तक, यहाँ पे हैशटैग तक है। उसके बाद क्या कर लिया, यहाँ पे सुडो से मतलब ये देखो ये वाली जो कमांड है ये यहाँ पे मैंने पुट किया, देखो इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मैंने पुट किया। तो सेम चीज़ आपको भी क्या करना है, यहाँ हैशटैग के बाद ये वाली कमांड को पुटअप करना है। अब यहाँ पे आपको गाइस अपना डोमेन का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे देखो हमने डी तक लिखा है सेम, उसके बाद अपना डोमेन का नाम यहाँ पे लिखा है, सेम चीज़ आपको भी क्या करना है, अपना डोमेन का नाम इस तरीके से लिखना है, सिंपल। अब गाइस जैसे आप ये कर लोगे तो गाइस यहाँ पे आपको पूछेगा कुछ इस तरीके से, एंटर ईमेल एड्रेस करके एक आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको क्या करना है, सिंपली एंटर ईमेल एड्रेस, जो भी आप चाहो वही आप ईमेल एड्रेस जा सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, जो आपने डिजिटल ओशन का ईमेल एड्रेस से साइन अप किया है डिजिटल ओशन, आप वही वाला ईमेल डालो। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे अपना एक ईमेल डाला है, ये हमारी मर्ज़ी होती है कि आपको कौन सा डालना है, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूँगा आपने जो डिजिटल ओशन में ईमेल डाला है साइन अप के लिए, वही ईमेल यहाँ पे आप डालना। जैसे आप डाल लोगे उसके बाद गाइस आपको कुछ इस तरीके से पूछेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको ऐसा पूछेगा, ए एग्री स्लैश सी कैंसिल करके ऐसा कुछ पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ए डालना है और एंटर कर देना है। जैसे आप ए करोगे तो फिर आपको ऐसा पूछेगा येस और नो करके, तो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, वाई टाइप कर देना है और एंटर कर देना है। अब गाइस जैसे ही आप एंटर कर दोगे वाई डाल के, तो यहाँ पे आपको वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन करके कुछ देखने को बोलेगा। ठीक, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे थोड़ा समय के लिए, थोड़ा मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अब गाइस यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको और एक चीज़ पूछेगा कमांड में, कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट नंबर और 1 2 इस तरीके से बोलेगा। तो यहाँ पे आपको आखिरी में क्या डालना है, 2 डालना है, टाइप 2। ठीक है, एंड में डालना है और फिर आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर गाइस कॉन्ग्रेट्स, हमारा जो SSL सर्टिफिकेट है वो भी हमारा इंस्टॉल हो गया है आपकी वेबसाइट में, सिंपल, और कुछ नहीं है, एकदम सिंपल काम है। ठीक, उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। वहाँ पे आप जैसे ही अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ सेटिंग में जाना, जनरल में जाना। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे आप जनरल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे गाइस आपको दिखेगा वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और साइड यूआरएल। तो यहाँ पे गाइस आपको क्या करना है, ये दोनों को नए वाले से चेंज करना है। मतलब ये देखो HTTP है, यहाँ भी HTTP है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पी के आगे एच जोड़ देना है। तो देखो HTTPS HTTPS। ठीक, अब गाइस ये जो आपका आईपी एड्रेस है, आपका जो नाम है, मतलब ये जो आपका नंबर है, इसके जगह आपको क्या करना है, डोमेन नेम आपका क्या करना है, लिखना है। ठीक, तो सिंपल, फिर जैसे आप यहाँ भी डोमेन नेम ऐसे लिख देना, फिर जैसे आप मतलब यहाँ पे जैसे आप पुट HTTPS कर लिख दोगे और अपना आईपी एड्रेस को रिप्लेस कर दोगे अपने डोमेन से, जैसा मैंने यहाँ पे किया है, तो गाइस उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे आपको सेव चेंजेस का ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ पे क्लिक कर देना। फिर जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से अपने आप आपकी वेबसाइट होगा और इस तरीके से शो करेगा योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट करके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एडवांस में क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस में क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, वहाँ पे क्लिक कर देना। फिर जैसे वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो गाइस आपका जो वेबसाइट है ये SSL सर्टिफिकेट से सिक्योर हो जाएगा, पूरा आपको वर्डप्रेस वापस से लॉगिन करोगे तो आपका वर्डप्रेस वेबसाइट पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी, रेडी टू गो हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका SSL भी सिक्योर बता रहा है, क्योंकि हमने SSL सर्टिफिकेट को लगा दिया है। अब आप अपनी वेबसाइट में अगर एक बार जाओगे तो देखो आपकी पूरी वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी हो गई है और पूरी रनिंग के लिए रेडी है। तो गाइस होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल ओशन में अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा एक बार ज़रूर ये PDF को पूरा एक बार पढ़ लेना, मतलब एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, एक बार
फिर और एक बार वीडियो देखना, उसके बाद आप ये पीडीएफ को फॉलो करते जाओगे तो आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दी गई है, वहाँ पे आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो गाइस, इसी के साथ मैं चलता हूँ। बाय, इंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। थैंक यू।